सो एनीवेज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह तबारक ताला जे नाले सां शुरू करियां थो जेको तमामु बाझारो निहायत रहम करण वारो आहे। अल्लाह तबारक ताला के नाम से शुरू कजो हम सब की सोच से ज्यादा हम सब पर मेहरबान है और हम सब पर करम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, हक मौजूद, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अलोहा एंड वेलकम टू क्लास नंबर 7 ऑफ सिंधी लैंग्वेज लर्निंग ऑनलाइन कोर्स बाय सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ सिंध व्हिच इज बीइंग इनिशिएटेड बाय सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी एज अ सर्टिफिकेट कोर्स एज अ फ्री सर्टिफाइड कोर्स एंड यू ऑल आर पार्टिसिपेटिंग इट एंड साइमल्टेनियसली टॉकिंग टू दोज हु आर अ पार्ट ऑफ आवर क्लास एज रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स एंड टू दोज हु वॉच आवर वीडियोज एंड एक्सटेंड देयर फीडबैक। थैंक यू सो मच फॉर बोथ सॉर्ट ऑफ ऑडियंस बिन्हीं किस्मत जो असंदड़ आने बिन्हीं किस्मत के ऐसंदड़ के भलीकार चवान तो थोड़ा मजा तो पाकिस्तान के मैरियो के मुताबिक तकरीबन 5:03 थी चुका है, 5:03 PM। इंडिया में इस वक्त 5:33 हुआ चाहते हैं। UAE में, मुत्तहिदा अरब अमारात में यानी दुबई, शारजा और अबू धाबी समेत मुख्तलिफ जो 7 रियासतें हैं वहां पर इस वक्त 4:03 हुआ चाहते हैं। सऊदी अरेबिया में 3:03 हुआ चाहते हैं। इस वक्त लंदन में सुबह के 7:04 हुआ चाहते हैं। सॉरी, वॉशिंगटन DC में सुबह के 7:03 हुआ चाहते हैं। लंदन में इस वक्त 12:03 दोपहर के हुआ चाहते हैं। और अगर हम फारिस की बात करें तो टोक्यो में यानी जापान में और उसके आसपास उसके गिर्दनुमा में जितने लोग हमें देख रहे हैं दे आर एंजॉयिंग एन इवनिंग देयर। दिस इज 9:04 PM देयर एंड एज फार एज ऑस्ट्रेलिया इज कंसर्न 11:04 PM एट नाइट एंड न्यूजीलैंड जो कि उसका पड़ोसी है लेकिन वहां पर रात का 1:04 हुआ चाहते हैं। तो गुड इवनिंग टू दोज हु आर ज्वाइनिंग अस फ्रॉम मिडल ईस्ट, फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया, फ्रॉम पाकिस्तान। साउथ ईस्ट एशिया से मेरी मुराद है पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश और श्रीलंका और जो हमें मिडल ईस्ट में अरब ममालिक से खलीजी रियासतों से ज्वाइन कर रहे हैं उनको भी हम गुड इवनिंग कहते हैं। लेट गुड मॉर्निंग कहते हैं हम लंदन और यूरोप के वासियों को और हम लेट गुड इवनिंग कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को और जो सोने वाले हैं न्यूजीलैंड में उनको ऑलमोस्ट गुड नाइट या फिर लेट गुड इवनिंग। तो थैंक यू सो मच कि आप सब ने हमें ज्वाइन किया और यकीनी तौर पर रोज़ाना हम एक स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं इस सफ़र में कि जो सफ़र लर्निंग का सफ़र है। और यू नेवर नो कि आपके साथ जब बात होती है आपके साथ जब व्हेन वी एक्सटेंड सम नॉलेज वी ऑल्सो लर्न बिकॉज हम तो 3 लेयर्स में उसको देखते हैं यानी प्री क्लास, ड्यूरिंग क्लास, पोस्ट क्लास। आप उसके 2 मरहले तय करते हैं। आप भी प्री क्लास तैयारी करते होंगे लेकिन जो क्लास का पहले की तैयारी आए क्लास के दौरान तहाँ सा कम्युनिकेशन जो आए क्लास का पो जी जगह कम्युनिकेशन आए ये 3 असाउंड लेयर्स एंड लर्निंग जाए उनमें घणों कुछ लर्न करने लग मिले। तो दिस इज क्लास नंबर 7 टूडे सूमर। वंस अगेन आई रिपीट, हालांकि हम हफ्ते के दिनों का जिक्र कर चुके हैं लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ सूमर आपने देखा। दिस इज कॉल्ड मंडे अ न्यू वीक। सो वेलकम टू दिस न्यू वीक। दिस इज 8th of January 2024 एंड माई नेम इज यासिर काजी एंड आई एम द कोर्स डिजाइनर एंड इंस्ट्रक्टर फॉर दिस कोर्स व्हिच इज प्योरली डिजाइन फॉर दोज हु वांट टू लर्न द बेसिक्स ऑफ सिंधी लैंग्वेज स्पेशली दोज हु हैवंट हु डोंट सी सिंधी एज देयर फर्स्ट लैंग्वेज हु डोंट पजेस सिंधी एज देयर फर्स्ट लैंग्वेज। और अगर कैंजी वह मादरी जबान आए भी तो वह बेसिक सीखना चाहिए था जी किथे न किथे उन्हों का तरबियत में रहती हुई। सो दिस इज क्लास नंबर 7 एल असें बाजारे नाले से असें हर कार व्यवहार जो आगाज कह अवलीम आला आलम जो धनी कादिर पैं कुदरत सी कायम आहे कदीम वाली वाहिद वहदहू राज़िक रब रहीम सो सारा सचो धनी चई हमदो हकीम करे पाण करीम जोड़ जोड़ जहान जी। तो इसका तर्जुमा और इसका मफहूम मैं बताता रहता हूँ और ऑन एंड ऑफ बताता रहूँगा और मुंतजर हूँ कि आप में से ऐसे हमारे मेहरबान कि जिनकी सिंधी मादरी जबान नहीं है वो कब ये मुझे याद करके ये बैत मफहूम के साथ मुझे बताते हैं। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट द असाइनमेंट। और असाइनमेंट के हवाले से जो आपकी तरफ से रेस्पॉन्स है वो मेरी तवक्कात से कम है। क्यों कम है इसका जवाब तो आप दे सकते हैं।
लेकिन क्लेरिफाई यू, हर चीज का एक हनीमून पीरियड होता है और वी हैव स्टार्टेड आवर क्लास और उसके बाद एक हफ्ता गुजर चुका है। हम 6 क्लासें जो हैं लर्न कर चुके हैं, 7वीं क्लास में दाखिल हो चुके हैं, 1 हफ्ते की 5 क्लास है। उससे पहले गुज़श्ता साल के दौरान 29 दिसंबर को हमने 1 क्लास की थी, तो ये कुल 6 क्लास है। उसके बाद 7वीं क्लास के सफर में शामिल हो चुके हैं। तो हाँ वो साजो जो तो मेहमान भी ट्रिन ॾींहनि जो हूंदो आहे, उनखां पोइ उनखे चइबो आहे त तव्हां पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधायो, त हाणे तव्हांजो प्रोग्राम वञण जो आहे या टिकण जो आहे। जेकॾहिं टिकण जो आहे त पेइंग गेस्ट थी टिको, जेकॾहिं वञण जो आहे त तव्हां ॻाल्हि करे। सो नाउ वी आर कमिंग टू दी सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस विच शुड बी ऑप्टेड बाय अ क्लास, एंड अ क्लास शुड लुक लाइक अ क्लास। सो एवरी असाइनमेंट विल कैरी सम पॉइंट्स एंड दोज विल एड टू योर पोर्टफोलियो। ओके, एवरी असाइनमेंट विल कैरी पॉइंट्स। हुनमें तव्हांजो पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रांग आहे या वीक आहे, या तव्हांजो जेको प्रेज़ेंटेशन जो दाज़ आहे, या जेको तव्हां सुवालनि जा जवाब ॾिना आहिनि हुनजी क्वालिटी छा आहे। रिगार्डलेस ऑफ दैट, इफ यू हैव फुलफिल्ड, इफ यू हैव ऑप्टेड टू सबमिट एन असाइनमेंट, देन यू विल बी कैरिंग द बेसिक पॉइंट्स। तो आज की इस असाइनमेंट जो कि मैंने 2 दिन पहले आपको असाइनमेंट दी थी, और फ्राइडे को असाइनमेंट दी थी, और फिर रिमाइंड करवाने के लिए जो है वो मैंने ग्रुप पर भी इस असाइनमेंट का तذکرہ किया था। यानी वो जो हमारे खौफी हजरात हमारी क्लास में शामिल नहीं हो सके थे फ्राइडे को, तो उनको हमने, हालांकि असाइनमेंट इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं थी और ऐसी ऐसी असाइनमेंट नहीं थी कि उसमें कोई क्विज क्वेश्चन हो कि जिसका एक ही जवाब होता है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए आपको जहमत दी थी कि आप कुछ लिखें और मुझे कन्वे करें, हमें कन्वे करें। तो असाइनमेंट्स का और एक्सरसाइजेस का सिलसिला शुरू हो चुका है, और एवरी एक्सरसाइज, फुलफिलमेंट ऑफ एवरी एक्सरसाइज एंड फुलफिलमेंट ऑफ एवरी असाइनमेंट विल कैरी 2 मार्क्स फॉर ईच। ठीक है, और आखिर में जब भी कोर्स पूरा होगा 3 महीने के बाद, 2.5-3 महीने के बाद, तो उसमें एक अचीवर्स की लिस्ट होगी जो कि आपके सर्टिफिकेट पर मैंशनड होगा। तो आपके सर्टिफिकेट पर यह मैंशनड होगा कि आप में से अचीवर्स कौन है जिन्होंने तमाम असाइनमेंट्स कंप्लीट की या ज्यादातर असाइनमेंट्स कंप्लीट की और ज्यादातर एक्सरसाइजेज में हिस्सा लिया। एक्सरसाइज ये कह रहे हैं कि जो चीज़ें हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे, खासतौर पर अल्फाबेट के मुख्तलिफ सौतियात जब हम सीखेंगे, तो वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए, इन ॻाल्हि जी पक करण जे लाइ, त उहो तव्हां सम्झो असां तव्हांखां मश्क़ कराईंदासीं, एक्सरसाइज कराईंदासीं, जेके ज़रूरी बि आहिनि। त उहा एवरी एक्सरसाइज विल कैरी 2 पॉइंट्स फॉर ईच एवरीबडी। सो डोंट टेक इट लाइट, डोंट प्लीज टेक इट सीरियस। सेकेंडली, लेट मी रिमाइंड यू दैट एनीबडी विथ लेस देन 40% अटेंडेंस विल नॉट बी गिवन अ सर्टिफिकेट। ये बात आपके जहन में रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप रजिस्टर करने के बाद आप उसके बाद आप मसरूफियात हर किसी को हैं, और अगर कोई चीज़ रह जाती है तो कभी कभार आगे पीछे हो सकती है, लेकिन लेस देन 40% अटेंडेंस के जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, जो लर्नर्स हैं, अनफॉर्चुनेटली दे विल नॉट बी गेटिंग द सर्टिफिकेट, द ऑनलाइन सर्टिफिकेट। इस बात को मद्देनजर रखिएगा। तो मैं समझा था कि आप में से बहुत सारी असाइनमेंट्स आएंगी, कम से कम 50 के करीब तो मुझे तवक्को थी, क्योंकि 60 से ज़्यादा की हमारी इनरोलमेंट है। लेकिन मेरे ख्याल में आप में से बहुत सारे दोस्तों ने शायद इसको अहम नहीं समझा या टाइम नहीं निकाल पाए वीकेंड के दौरान भी। तो जी आयशा साहब, लेट मी कंप्लीट माई थिंग, देन आई'ल आस्क यू फॉर द क्वेश्चन। तो मेरे पास जो असाइनमेंट्स जमा हुई हैं, वो ये 8 असाइनमेंट्स जमा हुई हैं, और उनमें से भी लास्ट वाली 2 जो हैं वो आज जमा हुई हैं। तो वरल वी हैव एंटरटेन्ड ऑल, कोई ऐसी नहीं है कि जिसमें कोई डेडलाइन मुकर्रर हो और हमने उसको काउंट ना किया हो। तो दिस इज द स्कोर शीट, इनिशियल स्कोर शीट ऑफ वेरी फर्स्ट असाइनमेंट, जो कि आपको पॉइंट ऑफ व्यू जानने के हवाले से थी और आपसे एक फीडबैक लेने के हवाले से थी। यूँ समझे कि एक रिफ्लेक्शन था, तव्हां खां असां फीडबैक पर वठणु चाहियो पंहिंजे क्लास जो, त छा छा सिखण में तव्हां इंट्रस्टेड आहियो। तो इसमें फ़ाइदा साहिबा हैं, ही शी इज़ अर्निंग 2 पॉइंट्स, करीम बख्श साहब हैं जो कि टंडो मोहम्मद खान से हैं, ही इज़ अर्निंग 2 पॉइंट्स, आयशा खान साहिबा हैं, आसिफ महमूद खान साहब हैं, सैयद मोहम्मद इमरान जकरिया साहब जो कि डेरा इसमाइल खान से, ऐसे दूर दराज इलाके से शामिल होते हैं कि जहाँ पर दे आर फेसिंग सम यू नो डिफिकल्टीज, बट अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज एज फार एज दी ऑनलाइन इंगेजमेंट इज कंसर्न, लेकिन उसके बावजूद भी वो शामिल होते हैं, और उन्होंने बड़े अहतमाम के साथ, बड़े फूल बूटों के साथ सजा कर असाइनमेंट भेजा। थैंक यू जकरिया साहब, इमरान जकरिया साहब, देन रबिया साहबा,
आइलीन और फजीला साहब है। थैंक यू सो मच, आप 8वों के असाइनमेंट जमा हो चुके हैं और आपके पोर्टफोलियो में दो दो पॉइंट्स, इनिशियल दो दो पॉइंट्स ऐड हो चुके हैं। आयशर साहब, यू वांटेड टू आस्क एनीथिंग? यू आर रेजिंग द हैंड, सरकार इज ऑल्सो रेजिंग हैंड, बट आयशर साहब फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, व्हाट यू वांट टू आस्क। Can you listen to me, Aisha? सरकार आप पूछ रहे हैं, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? प्लीज रीनेम योर प्रोफाइल विथ असलम योर नेम। जी वालेकुम सलाम, सर, वालेकुम सलाम, सर सर चाला कुछ तो बस बात गया। ठीक है? तो ठीक है, तारुफ कराओ। अलहमदुल्ला सर, वकास अली सर। जी वकास अली साहब, अच्छा सर पूछना ये चाह रहे जेका हैं। असाइनमेंट, ये असाइनमेंट जेका तां बुधाया, ये पॉइंट्स असाइनमेंट किया त ये त उन जी डी जेको आ सो तां के मना वाइस के बुधाय छलियो। हाने बी गाल या त जे कल भी तां असाइनमेंट नी हुई, वो सबमिट की थी ये तो पूछो ना, जगह ये कंफ्यूजन हो तो जी। यू मस्ट हैव आस्क्ड। तो पूछो, तो मालूम करे हो तो ये असाइनमेंट तो सिंपल मो तांगे चयो, तो प्लीज सबमिट इट टू योर एडमिन और ईमेल अस। तां वटि ईमेल एड्रेस आहे, उन ते भी तां जमा थे कराए सके, एडमिन के तां जमा थे कराए सके। सिंपल इज दैट। ये तो आम टेक्स्ट करा पे दोस्त के क्या खाना क्या खा रहे हो, जी तो कहना हो ताकि वही लिखी मोकलो को, ये जी ना तो को वर्ड फॉर्मेट में या को पीडीएफ ठाण हो या को पीपीटी ठाण, सिंपल ताके टन गालन जा जवाब लिखना, टे गालन केड़ी तो सीखी हो ने, टे गालन केड़ी तो सीखण चाहे, तो सिंपली जे ना बैठे बैठे टेक्स्ट कंदा ये मोकलो है मो ता जे रिकॉर्डिंग दिसंदो तो मोने गुजारिश कई, तो इधर यू कैन सेंड इट टू द एडमिन और यू कैन मेल इट टू आवर एड्रेस, मेलिंग एड्रेस जेता ताके सबनी का पहले ना न्या प्रमोशन थियो। So it was simple as that. माजरत सही, मका Then कोई मका मसलो जेका कोने, तो कोई विसरी गई। मसलो कोने, everybody थैंक यू has some engagements, take care in future. चाकर तो उन्हें बताने पॉइंट्स लो तो गेट दी बन, ठीक है? मकसूद अली थैंक यू वेरी मच, थैंक साहब यू। वेलकम, मकसूद अली साहब यू वांट टू आस्क एनीथिंग? जी, सर सवाल ही हो तो सर, मां टेक्स्ट फॉर्म में मोकली हुई असाइनमेंट एडमिन साहब दे नंबरन ते सर, वो मुझे ऐड न थियो आए इन में नालो, लेट मी चेक टेक्स्ट इट, फॉर्म में लेट मोकली। मी चेक इट, जगह अच्छी होंगे तो ताज पॉइंट सेट थी मिल दो, लेट लेट मी चेक इट, लेट मी आस्क देम, ठीक जी, है? ओके जगह सर, हुंदी तो बिल्कुल अच्छी होंगी, वो जाया काम थी, ठीक है? आयशा साहब, यू ओके वांटेड सर। टू आस्क एनीथिंग? एंड देयर वाज अनदर नंबर विद आईफोन, वो उन्होंने पूछन पे चाहे हो, कुछ पूछन पे चाहे हो, लेकिन पूछन चाहे था तो पूछी सको था मत अगते हल जी मकसूद अली साहब, तुम थी और तुम क्वायरी थी मेरे ख्याल है जी। सो आर फर्स्ट सेगमेंट इज अज जो लव्स। अच्छा लेट मी क्लियर, ॾाढा सुठा जेके आहिनि तव्हांजे पारां, असांखे जेके फीडबैक आहे तव्हांजे पारां, जेको रिफ्लेक्शन आहे ॾाढो सुठो मौसूलु थियो, ऐं और बहुत बहुत कुछ ऐसा है कि जो आप सीखना चाह रहे हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें सीखना चाह रहे हैं। मैंने हालांकि ओवरऑल पूछा था, ओवरऑल का मतलब यह है कि उस शोबे का जिक्र करें या उस टॉपिक का जिक्र करें कि ये टॉपिक आपने नया सीखा, और उस टॉपिक का जिक्र करें जिस टॉपिक के तहत हम बहुत सारे लेक्चर्स में भी बात कर सकते हैं। तो मैंने मतलब सवाल देते हुए मेरे जहन में ये था कि आप किसी एक शोबे का जिक्र करें कि ये शोबा या ये टॉपिक यही उसका सब टॉपिक जो है वो हमारे लिए नया था, जो कि बेशतर हमारे दोस्तों ने लिखा है, लेकिन बहुत सारे हमारे दोस्तों ने, हमारे लर्नर्स ने, ऑनरेबल लर्नर्स ने इतनी बेसिक चीज़ें भी लिखी हैं, जैसे 1 2 3 करके पॉइंट वाइज जो चीज़ें होती हैं। मिसाल के तौर पर किसी ने लिखा कि मैंने पहली मरतबा सीखा कि सूमर को, मंडे को सूमर कहते हैं, पीर को सूमर कहते हैं, ठीक है ये भी ठीक है, क्योंकि कभी कभार कम्युनिकेशन में ये होता है कि वो पूरी चीज़ कन्वे नहीं हो पाती, लेकिन बारह मैंने वो पूरा शोभा पूछा था, पूरा टॉपिक पूछा था, कौन कौन से टॉपिक्स पहले मतलब आपने सीखे हैं। अच्छा इससे हमारी रहनवाई हुई कि उनमें से बहुत सारी चीज़ें आप सीखना चाहते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारा जो लास्ट सेगमेंट हुआ करता है, और कभी कभार वो रह जाता है वक्त कमी के बाद, लेकिन पहला सेगमेंट और लास्ट सेगमेंट हमने मुस्तकिल रखे हैं। पहले 2 सेगमेंट्स यानी वर्ड ऑफ द डे और जो सेंटेंस ऑफ द डे है वो मुस्तकिल है, और आखिर में हम रोजाना किसी भी एक शोबे से वाबस्ता चीजें सीखेंगे, जैसे दिनों के नाम हमने सीखे, आज अगर वक्त बचेगा तो महीनों के नाम हम आपको बता देंगे। वैसे तो महीनों के नाम अंग्रेजी में है, लेकिन उनको सिंधी में कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, कैसे फर्क है,
यानी उर्दू में जुलाई लिखा जाता है, सिंधी में जूला लिखा जाता है, तो इस तरह से फर्क है किस तरह से लिखा जाता है। जैसे मौसमों के नाम हमने, दिन के पैरों के नाम, गो के हमने 8 पैरों के नाम अभी नहीं किए, लेकिन मेन मेन पैरों के नाम हमने जो है वो उनका जिक्र किया, तस्करा किया, ताकि आप तक वो चीज़ कन्वे हो सके। तो उसमें वो छोटी छोटी चीजें जो आप सीखना चाह रहे हैं कि इसको सिंधी में क्या कहते हैं, तो वो आप सेगमेंट्स का इंतजार करें रोजाना। कभी हम फलों के नाम डिस्कस करेंगे, कभी हम सब्जियों के नाम डिस्कस करेंगे, कभी हम शहरों के नाम डिस्कस करेंगे, शहर को कैसे लिखा जाता है, अलग अलग है, यानी उर्दू में ठट्टा लिखा जाता है, सिंधी में ठट्टू लिखा जाता है, उर्दू में लाड़काना लिखा जाता है, सिंधी में लाड़कानो लिखा जाता है, पाक पतन शरीफ किसी और तरह से उर्दू में लिखा जाता है, सिंधी में किसी और तरीके से लिखा जाता है, मुल्कों के नाम है इसी तरह से, लोगों के नाम है, तो मुख्तलिफ ये घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के नाम है, फर्नीचर वाली चीज़ों के नाम है, पहनावे के नाम है, या पार्ट्स ऑफ बॉडी है। तो ये तमाम जो है वो हमारे आखिरी सेगमेंट में रोजाना इस शोबे पर हम डिस्कस करेंगे, और उस शोबे से मुतालिक चीजें रोजाना हम डिस्कस करेंगे। सो डोंट वरी, रोजाना कोई नई नई चीज जो है वो आपकी खदमत में हम पेश करेंगे। तो जब हम जिक्र करते हैं वर्ड ऑफ द डे का, आज का लफ्ज हम कौन सा आज का लफ्ज सीखना चाहेंगे? लास्ट लफ्ज हमने सीखा था वो सीखा था लड़का, लड़के को सिंधी में क्या कहते हैं, और लड़के को सिंधी में हमने सीखा था कि लड़के को सिंधी में लड़का, लड़का को सिंधी में छोकरो कहते हैं, और लड़कों को यानी जमा में किसी में जब हम इस्तेमाल करेंगे तो उसको कहेंगे छोकरा, राइट? तो आपके जहन में सवाल आया होगा कि लड़की को क्या कहते हैं, लड़की को कहते हैं क्या कहते हैं? एनीबडी फ्रॉम दोज हु बिलोंग टू एनी अदर मदर टंग हु हैव सिंधी देयर सेकंड लैंग्वेज, यू कैन रेज योर हैंड एंड टेल मी। जी आयशा साहब, क्या कहते हैं लड़की को? छोकरी, लड़की इज नोन एज छोकरी, यस। एंड हाउ अबाउट इट्स प्लूरल? छोकरियों, छोकरियों। शाबाश, गुड, जबरदस्त, थैंक यू। आयशा तारिक साहब थी, बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि आज का जो लफ्ज है, वर्ड ऑफ द डे है, वो है छोकरी। ठीक है, लड़की को कहा जाता है छोकरी। हालांकि सिंधी में छोकरी, अगर छो अलग करें, किरी अलग करें, तो दो अल्फाज बन जाते हैं और उसका कुछ और मतलब निकलता है, वो एक क्वेश्चन बन जाता है। बहरहाल, तो छोकरी, छो के री, आप देखें कि पांच रूप पर मुश्तमिल जो है वो ये लफ्ज है। इमरान, इमरान साहब थोड़ी देर ठहर जाए, 2 मिनट ठहर जाए, उसके बाद फिर आप सवाल कीजिएगा। स्लाइड, छो केरी, छे और वाव आपस में एक ही आवाज के साथ मिले हुए हैं, जबर के साथ। जब मैं कहता हूँ एक ही आवाज के साथ मिले हुए हैं, तो आप देखें ये एक ही पद है, छो के आधा पद है, आधी आवाज है, आधा सौत है, निस्फ सौत है, री पूरी आवाज, छो पूरी आवाज, के आधी आवाज, री पूरी आवाज, छो के री। छोकरी मीन्स लड़की, छोकरी मीन्स लड़की। अब लड़की जो है वो आप बच्ची से लेकर, यानी इन्फेंट से लेकर, इन्फेंट से थोड़ी जब बड़ी होती है, बच्ची को तो बच्ची कहते हैं, लेकिन थोड़ी जब बड़ी होती है, जब वो अपने लड़कपन में दाखिल होती है, लड़कीपन में दाखिल होती है, वहां से लेकर एक यंग लड़की तक आप छोकरी कह सकते हैं। छोकरी, छोकरी इज सिंगुलर, एंड टॉकिंग अबाउट इट्स प्लूरल इज छोकरियों, यानी उसी ये में वाव और नून लगा दें, छोकरियों, और इसमें जो नून है वो गुना है। ये पहले भी निशानदेही में कर चुका हूँ कि सिंधी में गुन्ने की शक्ल वैसी होती है, वरना प्रोनाउंस होने में तो अलग होता है, नून नाक से आवाज निकलती है, नेजल आवाज निकलती है, लेकिन वो लिखने में वैसे ही होता है, क्योंकि सिंधी में नून गुना अलग नहीं है। गोके उर्दू में भी नून गुना अलग लफ्ज नहीं है, लेकिन जब गुना आता है तो उसका नुकता उड़ जाता है, वहां पर नुकते से निशानदेही होती है। तो छोकरी इज अ सिंगल छोकरी, एंड छोकरियों इज टू और मोर देन टू छोकरियों, टू और मोर देन टू लड़की, लड़कियां, तो लड़कियां जो है वो छोकरियों कहलाएंगी। अ गर्ल इज कॉल्ड छोकरी, छो के री, यानी छो पूरी आवाज, के पर जेर, रे और ये जेर के साथ आपस में कनेक्टेड है, छोकरियों, छे और वा वही जो है वो जबर के साथ कनेक्टेड है, छे और वा काफ पर जेर है, आधा पद है, और उसके बाद रे, रे भी आधा पद है, ये वाव और नून तीनों एक ही आवाज में कनेक्टेड है, यूं और पेश के साथ करें। तो लड़की इज सिंगुलर छोकरी, एंड लड़कियां इज छोकरियों इन सिंधी।
जी इमरान जकरिया साहब, क्या फरमा रहे थे आप, सवाल कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम सलाम सर। सर, वो आपने एक सवाल पूछा है कि वो लड़की को जो है वो सिंधी में क्या बोलते हैं, तो वो छोकरी ही बोलते हैं, हमारी सरायकी जबान है उसमें भी छोकरी तुसी बोलते हैं सर, भी वो सराय की हिंदी में आखते भी हो, छोकरी। तुसी भी सराय की आखते हो, चेक सो, तुसी भी सराय की छोकरी जी जी आखते ऐसा हो। सराकी आख दें सर, अच्छा जी अच्छा छोकरी आख दें, तो छोकरी आखते हैं। और छोर को आख दें, एक लड़का जेरा हो सी सर, वो कुछ छोर आख दें, बहुत सारे ओके, जेरे हो सन तो छोकरा और बहुत सारी लड़कियों को क्या कहते हैं सराय की तरफ? बहुत सारी लड़कियां को छोकरियों आग सेम दे सर, सेम ही उसी तरह ही बोलते हैं जैसे सिंधी में बोलते एक लड़की को बोलते हैं। हैं छोकरी, बहुत सारी होंगी तो जम्मा में प्लूरल में उसको छोकरियों। हाँ सही, मतलब एज सिंधी, सिंधी की तरह ही बोलते हैं ना, जैसे सिंधी में बोलते हैं, जी ऐसा सिंधी वांगू आग दे सर जी, मैं उन पिछले नहीं सॉरी क्लास है लगे थे सर, मेरा ऑपरेशन ले रही है तो पता है जंग शुरू है थे, तल बंद इतने नेट बंद थी रहने अल्लाह से राम करे सी, अल्लाह से राम उन्हें करे कितने सी, माजरा जी अल्लाह राम सिंधी करे सी। नहीं माजरा थी, कोई गल नहीं है। ना मैं सीख ले सर देश वाले 52 लफ्ज इन इंग्लिश में कंफ्यूज, 2 दफा है वा दे 3 दफा है वा, तो ये थोड़ा याद करने से ये याद हो जाएगी। देखो। अभी अभी जब आप 20 जदवले पढ़ेंगे ना, जब 20 पट्टियां पढ़ेंगे वो, तो आपको याद आ जाएंगी। जब सिंधी पट्टी का हम ठीक जिक्र है करेंगे ना, तो उसमें आपको याद आ जाएगी। थैंक यू सो मच मोहम्मद इमरान जकरिया साहब। जी सर, मैं मिठड़ी बोली है जी सराय तो की तुहाड़ी तुसाड़ी। बहुत सर मैं सिंधी सीखने का हूँ शौक चमड़ा, मैं PhD करे ना सिंध जरी यूनिवर्सिटी टंडू जाम ठंड हो जाम। अच्छा सही जी, तो सही मैं सही को बड़ी बोली पसंद है ये सिंधी, मैं आके सीख के रासा, क्योंकि बहुत सारे लफ्ज इन्हें छीन सरे की जबान दे मिल दे साकों भी सराय की बहुत पसंद है, बहुत पसंद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जी बहुत जी शुक्रिया। तो मैंने बेसिकली मादरी जबान सराय की है सर जी सराय की है, वाह वाह जबरदस्त, बहुत बहुत जी शुक्रिया। थैंक यू मोहम्मद इमरान जकरिया मेहरबानी साहब, सर, बहुत मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी। वो जी, थैंक क्या कहते यू सर हैं, क्या कहते हैं सराय की, इससे मेड़ केड़ा मजा नहीं आऊंगा। उस्ताद बुखारी हमारे सिंधी के मारूफ शायर गुजरे, लेकिन उनकी भी मादरी जबान सराय की थी, तो उनका एक उनके दो तीन सराय की अशार है कि मेड़ केड़ा मजा नहीं आउंदा, समुंड चूं जर मिठा नहीं आउंदा, और मेरा महबूब को खुदा ता नहीं नजर क्यों एक दफा नहीं आउंदा, और ईद उस्ताद ऐश दा मौका सो भी आंदे सिवा नहीं आउंदा। तो सराय की का तड़का आज उसमें लग गया, और उसमें हालांकि ये बरसबील जिक्र शेर याद आ गया, लेकिन मेड़ केड़ा मजा नहीं आउंदा का मतलब है कितना मजमा है, कितने लोग हैं, कितनी भीड़ है, मेड़ केड़ा मजा नहीं आउंदा, लेकिन मेरा दिल नहीं लग रहा उस मजमे में, यानी जिसके लिए मैं चाहता हूं कि वो हो उस मजमे में, वो उस मजमे में नहीं है। समट चूं यानी समंदर से जर मिठा नहीं आउंदा, क्योंकि ये जो मजमा है ये समंदर की तरह है मेरे लिए, लेकिन ये खारा है, इसमें से नमकीन पानी आ रहा है, इसमें से मीठा पानी नहीं आ रहा, तो समट चूं जर मिठा नहीं आउंदा, तो वो समंदर से मीठा पानी नहीं आ रहा, इसलिए मुझे मजा नहीं आ रहा, और मेरा महबूब को खुदा था नहीं, तो मैं जिसके लिए चाहता हूँ वो यहाँ पर मौजूद हो, वो कोई मतलब ऐसी ऐसे तो नहीं है कि जिनको ना देखा जा सके, यानी जिनको देखना मुमकिन ना हो, नजर क्यों एक दफा नहीं आता, तो फिर वो एक बार नजर क्यों नहीं आ रहे, मैं उन जिनको देखना चाह रहा हूँ। तो ईद उस्ताद ऐश दा मौका, यानी अपना नाम उन्होंने इस्तेमाल किया है मौके के तौर पर कि उस्ताद बुखारी, ये जो ईद है ये एंजॉय करने का मौका है, सो भी आंदे सिवा नहीं आता, वो भी किसी एक शख्स के सिवा नहीं आता, तो ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। तो ये बरसबील जिक्र याद आ गया, सरायकी का तड़का जो है उसमें लग गया। आज का जुमला, आज जो जुमलो, आज का जुमला क्या है, आज का जुमला है हम ग्रीटिंग के फेज से गुजर रहे थे, और इस ग्रीटिंग के फेज में जो है वो आपने नाम भी पूछ लिया, हालचाल पूछ लिया, सेहत भी पूछ ली, आप क्या करते हैं, आप कहाँ रहते हैं, नया साल मुबारकबाद भी आपने दे दी, भलीकार भी आपने कह दिया, सब कुछ कह दिया। अब कुछ खातिर दवाओं की बात हो ना, पहले तो आम फिर कलाम कहते हैं ना, तो वैसे तो ये कहा जाता है कि आप क्या तनावल करना पसंद करेंगे, उर्दू में जैसे कहते हैं मतलब तकल्लुफ के साथ, लेकिन उसको फिर इस तरह से बोला जाता है हर जुबान में कि आपकी क्या खिदमत की जाए, आपकी क्या तवाज़ो की जाए, ठीक है, बोलते हैं ना कि आप क्या लेना पसंद करेंगे, चाय लेना पसंद करेंगे, कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे, आप लंच करना पसंद करेंगे, तो वो तो पर्टिकुलर हो जाता है, उसमें से हर जुमले की मीनिंग अलग हो जाती है।
तव्हां लंच करणु पसंदि कंदव, पंहिंजी मानी खाइणु पसंदि कंदव, तव्हां चांहि पीअणु पसंदि कंदव, तव्हां कॉफ़ी पीअणु पसंदि कंदव, तव्हां छा खाइणु पसंदि कंदव, लेकिन उसका जो बुनियादी जुमिला आहे वो है तव्हांजी कहिड़ी ख़िदमत कजे, आप क्या खाना पसंद करेंगे, यानी आपकी क्या ख़िदमत की जाए, तो उसका तर्जुमा होगा कि तव्हांजी कहिड़ी ख़िदमत कजे, आपकी क्या ख़िदमत की जाए। तव्हां, मैंने आपको बताया था, तव्हां जो है तव्हां या अवां आपके लिए इस्तेमाल होता है, वो तो आपने अब तक सीख लिया होगा कि आपके लिए तव्हां इस्तेमाल होता है या अवां इस्तेमाल होता है, तू के लिए और तू के लिए तू ही इस्तेमाल होता है, तुम और तू के लिए तू इस्तेमाल होता है, तेवानों। तो यह है तव्हां, तव्हां जी यानी आपकी, जी यानी की, केड़ी यानी कौन सी, खिदमत यानी खिदमत, कजे यानी की जाए का एक ही लफ्ज कजे, तवां जी कैडी खिदमत कजे। ऑब्लिक का मतलब यह है कि इस जुमले को आप इस अंदाज में भी कह सकते हैं, वैसे तो हर जुमले को सेकंड अंदाज में कहा जा सकता है, लेकिन दूसरा किस अंदाज में अगर आप डायरेक्ट पूछना चाहें कि आप क्या खाना पसंद करेंगे या क्या नोश करना पसंद करेंगे, वैसे याद रखें कि नोश करना पीने वाली चीज के लिए इस्तेमाल होता है और तनावल करना खाने वाली चीज के लिए इस्तेमाल होता है। बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं खाना नोश करेंगे, नोश करना यानी पीना, तंबाकू नोशी, तंबाकू पीना, नौश करना यानी पीना, और तनावल करना यानी खाना। उर्दू वाले भी जब खाने की चीज का जिक्र करें तो तनावल कहेंगे, और जब पीने वाली चीज का जिक्र करेंगे तो नौश करना कहेंगे। कॉफी नौश की जाती है, चाय नौश की जाती है, शरबत नौश किया जाता है, पानी नौश किया जाता है, और खाना तनावल किया जाता है, बर्गर तनावल किया जाता है, सैंडविच तनावल किया जाता है। तो तमाम जी कैडी खिदमत कहते, आपकी क्या खिदमत की जाए, और उसको दूसरे अंदाज में कह सकते हैं, अमां छा खाण पसंद कंदा, आप क्या खाना पसंद करेंगे, अमां छा खाण पसंद कंदा, आप क्या खाना पसंद करेंगे, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, इंग्लिश में हम पूछते हैं, या व्हाट वुड यू, हाउ हाउ कैन आई सर्व यू सर, व्हाट शुड बी सर्व टू यू, अंग्रेजी में बहुत सारे अंदाज में पूछा जा सकता है, व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, व्हाट शुड आई सर्व यू, व्हाट शुड बी सर्व टू यू, फिर उसमें मुख्तलिफ तरीके होते हैं। तो सिंधी में भी तव्हां जी कहिड़ी ख़िदमत कजे, बेसिक जुमला आप याद रखें, किसी से भी पूछा जाए तो अव्हां जी कहिड़ी ख़िदमत कजे, या फिर अव्हां छा खाइण पसंद कंदा, आप क्या खाना पसंद करेंगे, अव्हां छा खाइण पसंद कंदा, ऐं अव्हां जी कहिड़ी ख़िदमत कई वञे। तो ये था हमारा आज का जुमला, आपकी आज की अटेंडेंस रिकॉर्ड हो रही है, और काइंडली वो ख़वातीन औज़ाद जो अपने ओरिजिनल नाम के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, जैसे हमारे एक दोस्त है सरकार के नाम से, मेरे ख्याल मकसूद अली साहब है सरकार के नाम से, जो अपने ओरिजिनल नाम के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, वो इस लेक्चर की चैट में या फिर एडमिन को अपना नाम लिखकर भेज दें ताकि आपकी अटेंडेंस कहीं मिस ना हो। रिमाइंड करवा दो चलूँ कि 40% अटेंडेंस से कम हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको हम सर्टिफिकेट नहीं दे पाएंगे। चलिए जी, आगे आगे बढ़ते हैं। आयोटा, सिंधी आयोटा, मैंने जिक्र किया था पहले दिन, ऐं ख़ासि करे असांजा जेके उहे महिरबान जिनजी मादरी ज़बान सिंधी आहे, अवां मुंहिंजा इलाहिनि खे पटी कान ईंदियूं, मतिलबु पटी छा खे चइबो आहे, सिंधी आयोटा जी पटी। आयोटा कहते हैं अल्फ़ाबेट्स को, मैंने पहले भी आपको बताया था, बल्कि 4-5 हरूफ मैंने आपको बताया थे, वर्णमाला भी जो है वो हरूफ तहजीब कहा जाता है, अल्फ़ाबेट भी हरूफ तहजीब कहा जाता है, आयोटा हरूफ तहजीब कहा जाता है, अलिफ बे पट्टी जो है वो हरूफ तहजीब कहा जाता है। सिंधी अल्फाबेट जो अलिफ बे है, अलिफ बे भे से लेकर मीम नून वाव नून हे हमजा और ये तक जो है, जो 52 हरूफ हैं, वो आपने उसके इसकी पहली टेबल तो देख ली, लेकिन उसकी मुख्तलिफ सौती अशकाल हैं, पेश के साथ है, जबर के साथ है, जेर के साथ है, और वो तमाम रिवाइज करना इसलिए जरूरी है ताकि न सिर्फ ये 52 हरूफ आपके जहन में जहन नशीन हो जाए, लेकिन ये भी आपके जहन में आए कि वही जो फोन है, वही जो सौत है, वही जो आवाज है हर हर्फ की, वो जेर जबर पेश के साथ किस तरह से प्रोनाउंस की जाती है, लिखी किस तरह से जाती है, लिखी तो वैसे ही जाएगी, खासतौर पर उर्दू फारसी अरबी सराइकी पंजाबी जानने वाले जानेंगे कि पेश लगाने से कैसे प्रोनाउंस की जाएगी और जेर लगाने से उसकी शक्ल कैसी होगी, लेकिन उसकी आवाज कैसी आएगी,
ये पर अगर पेश आएगा तो न्यू कैसे आएगा, ये पर अगर जेर आएगी या ये पर जेर आएगी तो ये कैसे आएगा, और ये वाओ अगर होगा तो मुओ कैसे होगा, मुंह कैसे होगा। तो ये समझने के लिए देर आर 20 टेबल्स, देर आर 20 टेबल्स, देर इज अ मिक्सचर ऑफ, देर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, देर इज अ बुके ऑफ 20 टेबल्स व्हिच इज कॉल्ड सिंधी पट्टी। अगर आप किसी से पूछेंगे कितने प्राइमरी टीचर्स हैं, आप जाकर पूछें, जानने के हवाले से पूछें कि क्या आपको सिंधी पट्टी आती है, तो वो आपको सिंधी पट्टी से मुराद जो है वो अल्फाबेट वाली पट्टी, अलिफ से लेकर ये तक सुना देंगे यही पट्टी, लेकिन उसकी मुख्तलिफ आवाजों की अशकाल पर मुश्तमिल 20 जदवलें हैं, 20 टेबल्स हैं, 20 फॉर्मेट्स हैं, 20 चार्ट्स हैं, उनको सिंधी आयोटा की पट्टी कहा जाता है सिंधी में। या उसको एक और लफ्ज इस्तेमाल होता है जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, वो कदीम हमारे प्राइमरी टीचर्स हमें पढ़ाया करते थे, उसको कहा जाता है कक्के, कक्के, कक्के। सिंधी में एक और लफ्ज कहते हैं यार कक्के छोके होता है, कक करना तंग करने को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर कक जो है ये भी क्लासिकल लफ्ज है, मतरूक लफ्ज है, एक ऐसा लफ्ज है जो हर किसी के इल्म में नहीं होगा, बहुत सारे सिंधी बोलने वालों के इल्म में नहीं होगा, बल्कि मैं आपको बता दूं कि ये एक बार पट्टी आप जब पढ़ लेंगे स्टेप बाय स्टेप रोजाना एक अलग अलग आवाज वाली पट्टी जब आप पढ़ेंगे। पट्टी का मतलब है जदवल, जदवल का मतलब है चार्ट, चार्ट का मतलब है टेबल, जब अलग अलग आवाज वाली टेबल आप शक्ल की सूरत में भी देखेंगे और उसका सॉस भी समझेंगे तो नो डाउट कि बिफोर एंटरिंग टू ग्रामर, बहुत सारे हमारे साथी जो है वो ग्रामर जल्दी सीखना चाह रहे हैं, लेकिन पहले आप हरूफ तहजी की आवाजें समझ लें और जहन में बिठा लें, और वो तभी आएंगी। हम भी बचपन में ये पट्टी पढ़े हैं, और ये पट्टी जो है वो 20 टेबल्स पर मुश्तमिल, उनमें से काफी टेबल्स तक नहीं, आसान है कि वो 10 मिनट में भी आप पढ़ सकते हैं, और काफी टेबल्स पर आपको शायद पूरी क्लास लग जाए, लेकिन ये 20 टेबल्स ऐसी हैं कि जिनसे गो थ्रू करना जरूरी है, जिनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, टू अंडरस्टैंड द फोनोटिक्स एंड द शेप of all the letters, all the 52 letters which are included in Sindhi language. Let me repeat it again. It is not being taught nowadays. In nowadays curriculum, it is unfortunately not being taught to primary students. अगर उनको पढ़ाई जाए तो उनकी कोई, मैं नहीं समझता कि कहीं पर कोई लैंग्वेज लर्निंग में कोई चीज रह जाए, खासतौर पर आवाजों और उनकी अशकाल के हवाले से, इमला भी दुरुस्त हो जाए, तलफ्फुज भी दुरुस्त हो जाए। जिस तरह से आजकल कोई खुशखत्ती पर तवज्जो नहीं दे रहा, मैंने खुद क्लास 4 तक जो है वो तख्ती लिखी है, पट्टी लिखी है मुंह पे, उन्हें तवज्जो कौन है। सो क्या है कि ये टाइपिंग वाली नस्ल है, और उनकी आप हैंड राइटिंग आप देखें, एक जुमला भी ऐसा नहीं होगा कि काबिल फहम होगा। तो ये हैंड राइटिंग, इंग्लिश हैंड राइटिंग पर हम कितनी मेहनत किया करते थे, छोटी एबीसी, बड़ी एबीसी, स्मॉल कैप्स, लार्ज कैप्स, और उसके अलावा फूलों वाली एबीसी, गुलन वाली एबीसी पढ़ लिखन दास, फिर जुमले, फिर अल्फाज, फिर कनेक्टेड पूरी एबीसी, आप एबीसीडी एक साथ लिख रहे हैं। तो ये मेहनत करना छोड़ दी उस्ताद ने, शायद उसको खुद भी नहीं आता। तो हम ये मेहनत करना चाहते हैं आप पर, ताकि आपके जहन में इन टेबल्स के पढ़ने से, जैसे जक्रिया साहब ने कहा ना कि समझ में नहीं आ रही मुझे, तो ये 20 पट्टियां जब आप पढ़ लेंगे ना तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी, यानी न सिर्फ हरूफ तहजी की टेबल बल्कि उसकी मुख्तलिफ आवाजें, मुख्तलिफ आवाजों में उसका सौत कैसा है, उसका साउंड कैसा है, उसकी शक्ल कैसी है। ठीक है, तो पट्टियां हैं कौन सी, पहले उनका जिक्र कर लेते हैं कि किसी मरहले से गुजरने से पहले हम उसका जिक्र तो करें, और जो वीडियो के थ्रू भी हमारे वो के जो क्लास में शामिल नहीं है, जो हमारे खादिन देख रहे हैं, उनको हम बताते चलें कि पट्टी है क्या, 20 टेबल्स वाली, 20 जदवलों पर मुश्तमिल जो पट्टी है, जिसको पट्टी कहा जाता है, वो है क्या। तो उसमें सबसे पहले तो सिंधी अलिफ बे जो चार्ट नंबर 1 पर जो आप देख रहे हैं, ये सिंधी अलिफ बे जो चार्ट जो सिंपल आप पढ़ चुके हैं, जो आप पढ़ चुके हैं, अलिफ अख बे बदक बे बुक या बे बकरी बे भित या बे बोलड़ो, जो भी आप पढ़ चुके हैं, पूरी ये जो पहला चार्ट हम पढ़ चुके हैं, पहला चार्ट जो है वो हम पढ़ चुके हैं नंबर 1। फिर दूसरे चार्ट में क्या है, अध अखरी जदवल, कि जब उसी हर्फ को किसी और हर्फ के साथ मिला के लिखा जाएगा तो उसकी शक्ल कैसी होगी। अलिफ को अगर किसी और हर्फ के साथ मिला के लिखा जाएगा तो उसकी शक्ल कैसी होगी, बे को मिला के लिखा जाएगा तो उसकी शक्ल कैसी होगी। तो ये अद्द अखरी जदवल, यानी आधे हर्फ पर मुश्तमिल जदवल, वही
हर्फ कंटिन्यूटी में उससे आगे वाले हर्फ से या बाद वाले हर्फ से लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा? इसको कहते हैं अदाखरी जदवल या अदाखरी चार्ट या अदाखरी टेबल, राइट। उसके बाद है नंबर थ्री, जबर जो चार्ट, तमाम हरूफ पर अलिफ बे ते से उस सब पर जबर देंगे तो वो लिखेंगे कैसे? लिखने में तो मैं जैसे मैंने कहा कि मुकामी जुबानी बोलने वालों के लिए मुश्किल नहीं होगा, शायद रवि पांडे जी के लिए मुश्किल हो छत्तीसगढ़ से जो हमें ज्वाइन करते हैं, या हमारे एक दो दोस्त जो मिडल ईस्ट से ज्वाइन करते हैं जिनकी दे डोंट हैव अ मदर टंग सिमिलर टू पर्शियो अरेबिक स्क्रिप्ट, उनके लिए शायद मुश्किल हो, लेकिन जो उर्दू बोलने वाले हैं, पंजाबी बोलने वाले हैं, सराइकी बोलने वाले हैं, वो तो सब जानते हैं कि अलिफ पर जबर लगाने से कैसी उसकी शक्ल होगी, लेकिन ये वो सुनने में कैसा होगा? वो कि उसमें से बहुत सारी आवाजें सिमिलर होंगी लेकिन उसके बावजूद सीखना जरूरी है। तो जबर का चार्ट नंबर तीन पर आ गया, जबर का चार्ट जो हम सीखेंगे। फिर है जेर का चार्ट या जेर की जदवल या जेर जो जेर की पट्टी, राइट। इनमें से हर एक भी पट्टी है और उस पूरे को 20 पट्टियों को 20 टेबल्स को भी पट्टी ही कहा जाता है। जबर के बाद है जेर की जदवल, जेर सीखा जाएगा कि ए बे 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 किस तरह से उसका प्रोनाउंसिएशन आए। फिर आएगी पेश की जदवल। जी, तो हम मुख्तलिफ जदवलों का जिक्र कर रहे थे और उन जदवलों के लिहाज से, उन जदवलों के हिसाब से जो है वो मैंने जिक्र किया जबर वाली जदवल का, जेर वाली जदवल का, उससे पहले हमने आधे हर्फ वाली जदवल का भी जिक्र किया, राइट। तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, ये जो अलिफ बे वाली पट्टी है तो उसमें जबर वाला चार्ट आ गया नंबर तीन पर, नंबर चार पर जेर वाली जदवल आ गई या जेर वाला चार्ट, उसके बाद नंबर पांच पर पेश वाला चार्ट यानी अलिफ बे भे ते उन पर ओ बो बो भो छु चु हु, तो उसका साउंड कैसे निकलेगा? दोनों चीजें देखिए साइमल्टेनियसली चल रही हैं। अगेन मेंशनिंग अबाउट दी लैंग्वेज स्किल्स आर बेस्ड ऑन फोर थिंग्स, राइट, चार चीजों पर डिपेंडेंट है। फिर कभी मैं आपसे पूछूंगा तो आप, मैंने आपको बताया था कि रीडिंग और राइटिंग आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और लिसनिंग एंड स्पीकिंग ये दो आपस में प्रोपोर्शनल है। तो इन पट्टियों से, इन जदवलों से आप इन 52 हरूफ की आवाजें भी क्लियरिफाई करेंगे, यानी लिसनिंग और स्पीकिंग ये दोनों सर्व होंगे, लिसनिंग और स्पीकिंग ये दोनों चीजें सर्व होंगी, और फिर दूसरी तरफ से जो है वो आप उसकी शक्ल भी देखेंगे तो रीडिंग और राइटिंग ये दोनों भी आपकी इंप्रूव। तो ये जेर वाले वाली जदवल आ गई, पेश वाले चार्ट, पेश जो चार्ट और पेश वाली जदवल, जदवल चार्ट पट्टी टेबल ये तमाम एक ही चीज है। तो उसके सामने चार्ट लिखा हुआ है या जदवल लिखा हुआ है तो चेंज के लिए हर किसी के लिए सामने अलग अलग लिखा है, लेकिन इसका मतलब यही है कि मतलब हम चार्ट का जिक्र करें तो पेश चार्ट तो से लेकर आखिर में णो नो यू तक, ठीक है। उसके बाद है मद वाला चार्ट, हर लफ्ज के साथ मद अगर लगेगा या अलिफ के साथ मद लगेगा, बाकी के साथ तो अलिफ लगेगा, मद का मतलब है अलिफ, आ जब हम लिखते हैं तो अलिफ के साथ एक अलिफ ऐड होता है तो वो आ बन जाता है, उसको हम डबल अलिफ करके नहीं लिखते, उसकी निशानी यह है कि अलिफ के ऊपर हम मद लगाते हैं, मद वाला चार्ट, यानी वो होगा आ बा बा भा ता, ये होगा, तो ये होगा मद वाला चार्ट। उसके बाद है ओ वाला चार्ट, ओ बो बो भो, ये क्यों कर रहे हैं? इसकी जब मश्क करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वही हर्फ अलिफ या बे या बे या भे या हे या छे या खे या गाफ या गैन, वो जब किसी के साथ वाव के साथ कनेक्ट होकर जबर की आवाज के साथ आएगा तो आपको समझ में आएगा कि हमने आपको ओ वाले चार्ट क्यों पढ़वाया था, ये नंबर 7 वाला, और नंबर 8 वाला ऊ वाला चार्ट क्यों पढ़वाया था। मुखे मथे में सूर आए, मुझे सर में दर्द है, सूर, तो वो सू कैसे लिखा जाएगा? ये आप आपने अगर ऊ वाले चार्ट में पढ़ दिया ना, क्योंकि ऊ बू बू भू के बाद सू शू ये भी हम पढ़ेंगे ना, तो आपके जहन में बात आएगी कि हमने पेश वाला जो चार्ट पढ़ा था तो उसके लिहाज से जो है वो बात आपके पहले से जहन में होगी, उसकी शक्ल भी जहन में होगी और उसका स्वाद भी जहन में। तो ये पेश वाला चार्ट, ये 8 नंबर। उसके बाद है ए वाला चार्ट, ए, ये याद रखें 9 और 10 में फर्क समझिएगा, 9 चार्ट जो है वो ए वाला चार्ट है, ए बे बे भे ते, जो 10 वाला चार्ट है वो है आए वाला चार्ट, अलिफ और ये जबर के साथ कनेक्ट है, आए बाए बाए ध, ये अलग अलग, जब मशकें करेंगे तो आपको पता चलेगा कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो कि
सिर्फ ऐसे प्रोनाउंस होते हैं, यानी ए के प्रोनाउंसिएशन से प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक लफ्ज है बेदिल, मैं बेदिल हो चुका हूं, अब वो बाएदिल नहीं होगा, ठीक है, वो बेदिल होगा। लेकिन सिंधी को, सिंधी में अंडे को एक तो आनो भी कहते हैं, दूसरा बेदो भी कहते हैं, ठीक है। तो ये या ऐसे अल्फाज हैं जो कि आए की प्रोनाउंसिएशन में आते हैं, तो वो ए और ए वाला प्रोनाउंसिएशन, बे और बे वाला प्रोनाउंसिएशन, बे और बे वाला प्रोनाउंसिएशन, टे और टे वाला प्रोनाउंसिएशन अलग है। तो इसलिए ये चार्ट 9 नंबर पर हम ए बे भे ते से पढ़ेंगे, और जो 10 वाला चार्ट है वो आए बाए बाए भाई तय वाला चार्ट पढ़ेंगे, ताकि दोनों जो आवाजें हैं, दोनों जो साउथ हैं, वो क्लियर हो। फिर नंबर 11 पर आएंगे ई का चार्ट, ई बी बी भी यू नमारन रीत जिनसे नंबर टाइम सोनते। तो ई कहां पर आता है, बी कहां पर आता है, बी कहां पर आता है, ये मैं सिर्फ फहरिस्त बता रहा हूं। जब एक एक चार्ट पढ़ेंगे और उसकी मशक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम ये क्यों कर रहे हैं। शायद उसको अब आज के प्राइमरी जो उस्ताद हैं, असातिज़ा हैं, वो शायद उसको अहमियत नहीं देते, या खुद उनको नहीं पढ़ाया गया, तो इसलिए ये इतनी बेसिस मजबूत नहीं करते बच्चे की। लेकिन ये टेबल्स को गो थ्रू करने के बाद आपकी मेच्योरिटी लेवल तो ज्यादा है। जाहिर है कि एक 5 साल का बच्चा, एक 5 साल जो बाहर जाने प्राइमरी पढ़े थे, तो उनकी मेच्योरिटी लेवल हुआ ना है। नाउ यू आर ग्रोन अप, ऑल द ऑडियंस, ऑल द लर्नर्स आर ग्रोन अप, तो आपको तो उतना टाइम नहीं लगेगा, वरना शायद बच्चे के लिए 5 5 दिन एक एक पट्टी पर लगाए जाए, आप शायद 5 10 मिनट में एक पट्टी सीख जाए या एक टेबल पढ़ जाए। फिर वक्त हम उसके कॉन्टेंट्स देख रहे हैं, लेकिन जब आप इनसे गो थ्रू कर लेंगे तो आपको एक जहन नशीन हो जाएगा कि यार तमाम आवाजें न सिर्फ हरूफ की बल्कि उनके जेर, जबर, पेश और मद के साथ मेरे जहन में क्लियर है। अब आवाजें क्लियर है, नाउ आई एम गोइंग टू लर्न टू फॉर्म दी सेंटेंसेस थ्रू ग्रामर, राइट। तो ये 12 वाली जदवल जो है, और 11 वाली जदवल ई का चार्ट है, ई ई बी बी, 12 वाली जदवल अन का जो है वो चार्ट है, अन बन बन इस तरह से ये चार्ट, ठीक है। उसके बाद 13 वाली जदवल जो है वो इन का चार्ट, इन बिन बिन भिन तिन ये चार्ट। 14 वाली जदवल उन वाला चार्ट, जिसमें अलिफ और नून आता है, अलिफ और नून, उन उन बुन बुन भुन, क्योंकि बहुत सारे अल्फाज फॉर्म होंगे जिसमें इस किस्म की आवाजें इस्तेमाल होंगी, लिहाजा ये टेबल्स पढ़ाना जरूरी है। उसके बाद आएगा आ का चार्ट, नंबर 15, आई एम टॉकिंग अबाउट नंबर 15, आ, ये नून जो है वो होना है, आ का चार्ट, आ बा बा भा, क्योंकि बहुत सारे अल्फाज इस पर खत्म होंगे, तो हमें एक-एक हर्फ का के हवाले से ये आवाज सीखना जरूरी है। आ बा बा भा णा ना खा, तो ये मुख्तलिफ आवाजें होंगी। उसके बाद है ओ का चार्ट, ओ नंबर 16, आ के बाद ओ का चार्ट, फिर उसके बाद ऊ का चार्ट, वथूं विखूं, विखूं कहते हैं इकदामात, कदमों को, बहुत सारे कदमों को विखूं कहा जाता है। तो ये ऊ वाली आवाज अगर आपकी समझ में आई होगी तो वत्थूं और विखूं, मिखूं, आए, आए, आ, आ, इस किस्म के जो अल्फाज हैं, फिल फॉर जितनी मिसालें मेरे जहन में आ रही, मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, तो ये आवाजें क्लियर होंगी। उसके बाद आएगा ए की आवाज, ए ए, जैसे हम कहते हैं कि मथे महीने, हाँ, तो कि मथे महीने पैसा नहीं, तो जब आप थे की आवाज समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये थे वाली, यानी वो टेबल जो ये वाव नून और नून गुन्ना की अरेंजमेंट के साथ जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये टेबल हमने क्यों पढ़ी थी, क्योंकि बहुत सारे अल्फाज ऐसे आएंगे सिंधी में जो कि इस तरह के फॉर्मेशन में, ए की जदवल इसको कहा जाता है। फिर आए की जदवल, जैसे ए और आए का हमने सीखा, तो आए की जदवल, आए का चार्ट, तो आए आए से मुख्तलिफ अल्फाज होते हैं जिसमें इस किस्म की आवाजें इस्तेमाल होती है। हो सकता है कि कंटेंट्स में आपको समझ में ना आए, जब हम चार्ट्स पढ़ने लगेंगे और उनकी मशकें करेंगे तो आपके जहन में आ जाएगी चीज कि आपने जो है वो क्यों सीखा उस टेबल को, ताकि आपको पता चलेगा कि, क्योंकि मशक में हम वो अल्फाज आपसे करवाएंगे या आपकी खदमत में पेश करेंगे, आपको बताएंगे, वो देखें एक एक दिन में कई वर्ड्स ऑफ द डे आ जाएंगे कि भाई इनका चार्ट पढ़ने के बाद
या ए का चार्ट पढ़ने के बाद या आई का चार्ट पढ़ने के बाद क्यों पढ़ा? ऐसे कौन से अल्फाज हैं जिसमें आए या मैं या जय या तय या नए 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 थदो, कराची में निकलते हैं ना तो वो आता है जो डैम नए उस वाटर बॉडी को कहा जाता है विच इज फाउंड ड्यूरिंग मॉनसून ओनली। पहाड़ों से जब पानी गिरता है, जो बरसाती नाला है जिसको आप बरसाती नाला हम कहते हैं, यानी पहाड़ों से पानी जो गिरता है और पुल के नीचे से गुजर जाता है, वो बरसाती नाला जो सिर्फ और सिर्फ बारिश बरसे और उसमें गुजर जाए, उसको नए कहा जाता है, उसको नए कहा जाता है सिंधी में। तो ये आए के चार्ट अगर ये पढ़ेंगे ना नंबर 19 का, तब आपको पता चलेगा कि कौन कौन से अल्फाज इसमें आते हैं। ठीक है, तो ये 19 नंबर चार्ट जो है वो आए का चार्ट है, और इसी तरह से 20 नंबर का चार्ट है ई का चार्ट, नई नई रीत ई का चार्ट, ई बी बी भी ती थी, तमाम हरूफ 52 के 52 हरूफ इसी प्रोनाउंसिएशन के साथ हम पढ़ेंगे, ताकि आपके जहन में अशकाल भी क्लियर हो और आपके जहन में उनकी आवाजें भी क्लियर हो। टू मेक इट क्लियरिफाई फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ लैंग्वेज एज फार एज इट्स हरूफ तहजीज कंसर्न, मैंने जो सेंटेंस ऑफ द डे स्टार्ट किया है, ये इसलिए स्टार्ट किया है कि हर कोई एंशियस होता है नई जबान सीखने के बाद कि मुझे उसके जुमले आने चाहिए। तो ये वर्ड ऑफ द डे और सेंटेंस ऑफ द डे इसलिए हमने स्टार्ट किया है ताकि सेंटेंसेस कुछ आप बोलना शुरू करें। ओरिजिनल फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस आपको जब ही आएगी जब आपको ग्रामर आएगा, और ग्रामर पर अब हम जब जब ही जाएंगे जब पहले हरूफ तहजी क्लियर हो जाए, क्योंकि ये उमूमी तौर पर जो जुमला सुनाई देता है कि जो सिंधी के हरूफ तहजी बहुत मुश्किल, उसमें नुक्ते समझ में नहीं आते, ये आमतौर पर ये सीख भाई अगर आप तवज्जो के साथ सीखेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएंगे। जी वकास साहब शायद कोई सवाल करना चाह रहे हैं। जी सर, जी वकास सर साहब जी त एकड़ो पंजो शेर बा जो बेत एकड़ो जबलन मंझ झोपड़ा से झूला किए जलन जी इन में किए जुलब ता बुदाओ इ चियो जिन जी उम्मीद अलामा त पथरन मंझ पलन या ब जिन बचियो इन में जेको ता बुद सदाई खिलन जिन उम्मीद न लाती अलामा बिल्कुल बिल्कुल ये हाने था जेको इन ब्लब्स खण दो, जेको ब्लब्स खण दो, उन्हें कोनो कोड़ो आवाज जरूर हुंदो जेको असान इन पट्टी में पढ़ना से उन इन पट्टी का बाहर ना हुंदो आवाज, छो तो हर लफ्ज जो जेको आवाज कोई ना कोई आवाज इन पट्टी में जा हुंदो, माना कें भी लफ्ज की फॉर्मेशन में पहरो हिस्सो बियो हिस्सो टियो हिस्सो जेको तान सदो पे पछाड़ को हिस्सो या शुरुआती हिस्सो वो इन पट्टी में जा ही उन जो आवाज निकल हुंदो, छाकाण त को भी आवाज सिंधी बोली जो इन पट्टी का बाहर कोन है, इन बीन पट्टी का बाहर कोन है, तेज करी पट्टी में पढ़ना जरूरी है। थी सके तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग खासतौर पर जिनकी ये माधुरी जुबान हो या उर्दू भी मिलती जुलती है सिंधी के साथ, वो कहते हैं यार आपने किस उसमें डाल दिया हमें किस मशक्कत में, लेकिन जब उससे गो थ्रू करके आप निकलेंगे तो आप कहेंगे यार बहुत सारे अल्फाज तो उनकी आवाजें हमें ऐसे समझ में आ रही है शायद वैसे समझ में नहीं आती। तो ये जो तमाम चार्ट हैं वो पढ़ना जरूरी है। राइट, तो जी आगे बढ़ते हैं हम, तो उसमें पहला चार्ट जो है वो तो सिंपल है जो हम पढ़ चुके हैं और दो किस्तों में पढ़ चुके हैं, यानी इसका इन 20 टेबल्स में से 20 जदवलों में से जो पहला चार्ट है वो तो है प्लेन अलिफ बे जिसको आ जाता है हरूफ तहजीब जैसे हमने पढ़ा था और एक एक करके पढ़ा था, अलिफ अख बे बे बदक बे बकरी बे भोलड़ो थे तारो थे थेलो थे टोपी थे टूट, इस तरह से हमने पढ़ा था। एक बार फिर मैं रिवाइज कर लेता हूँ क्योंकि हम गो थ्रू कर रहे हैं तो ये इल्म में होना चाहिए, 52 हरूफ हैं आपके सामने हैं, यह है अलिफ बे बे भे ते थे टे ठे से पे। अब आप ये देखें ये एक ही ग्रुप के हैं, बे से लेकर पे तक ये एक ही ग्रुप के जो हरूफ हैं, ये तमाम एक ही अशकाल के हैं, इनमें से कुछ पर ऊपर नुक्ते हैं कुछ पर नीचे नुक्ते हैं। फिर जीम ये झे ने चे छे हे खे, जीम से लेकर खे तक ये तमाम एक ही फैमिली के हैं, इसमें शक्ल के लिहाज से झे थोड़ा सा मुख्तलिफ है लेकिन है उसी फैमिली का, उसी फैमिली का है, इसकी दुम ऐसे नहीं आ रही नीचे बाकी हरूफ की तरह, ये लाइन पर ही रहता है लेकिन उसके बावजूद फैमिली सेम ही है। अब देखें इसको फैमिली में तकसीम कर लेंगे तो आपके जहन में आ जाएगा, तरतीब भी जहन में आ जाएगी कि पहले बे वाली तरतीब जा रही है, फिर जीम वाली तरतीब जा रही है, फिर दाल वाली, फिर रे वाली, फिर सीन वाली, फिर स्वाद वाली, फिर तुए वाली, फिर एन गैन वाली, फिर वे काफ वाली, क्योंकि आगे तो जोड़े आते हैं। तो यहाँ से बे से लेकर पे तक जो है वो एक ही किस्म के हरूफ हैं,
उसके बाद जीम से लेकर खे तक दूसरे किस्म के हरूफ हैं। जीम ये झे ने चे छे हे खे, ठीक है। उसके बाद है दाल धाल डाल डाल ढे, दाल ढाल डाल डाल ढाल जे। ये जो 1 2 3 4 5 6 ये तमाम एक फैमिली है, यानी दाल के ऊपर मुख्तलिफ। एक तो दाल जो है वो बगैर नुक्तों के हैं, लेकिन उसके उसी के ऊपर नुक्ते ऊपर नीचे आ रहे हैं, तो उनकी तादाद जब चेंज हो रही है तो उनकी उनका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो रहा है, उनका तलफ्फुज़ चेंज हो रहा है, और उनका उन्हें उन्हें उच्चार चेंज होते पे और उसका सौत चेंज हो रहा है ज़ाल में। फिर ये तीन हरूफ एक ही फैमिली के हैं, रे रे जे, रे रे जे। रे उर्दू में भी है लेकिन उसकी शक्ल मुख्तलिफ है, ठीक है। फिर है सीन शीन स्वाद ज़्वाद तुए जुए ऐन गैन फे फे। फर्क दोनों में, फे फानूस फे फीतो फे फूल, जैसे उर्दू में फूल कहा जाता है, फूल नहीं कहा जाता। फूल कहेंगे तो वो अप्रैल फूल हो जाएगा, बेवकूफ को कहते हैं। दोनों अल्फाज हैं लेकिन दोनों लगे। एफ है फूल, फे है फूल, ठीक है। मैं आपके लिए फूल लाया हूँ नहीं कहेंगे, वो तो फूल करने वाली बात हो जाएगी। मैं आपके लिए फूल लाया हूँ, तो वो फूल वाला फे जो है वो सिंधी में ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। सिंधी में फुल्ला कहते हैं पॉपकॉर्न्स को, वो ऐसे लिखा जाता है, लेकिन फरासी और फानूस जो है वो फे के साथ कह जाते। तो ये तीनों फे फे और काफ जो है वो एक ही फैमिली काउंट होते हैं। कुछ लोग फे और फे को अलग फैमिली और काफ को अलग फैमिली काउंट करते हैं। बहरहाल जनरली फे फे और काफ एक ही फैमिली है। काफ खे गाफ गे घे गे एक ही फैमिली, यानी काफ को भी खे की फैमिली में काउंट किया जाता है। बहरहाल तो सीन शीन स्वाद ज्वाद तुए जुए ऐन गैन फे फे काफ 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 काफ। यह है काफ, कलम कलम। यह है किताब, किताब को हम किताब नहीं बोलेंगे और कलम को हम कलम नहीं बोलेंगे, कलम किताब। फिर है खे गाफ। फिर है ये गऊ गाय, ठीक है। घे घे इस घोड़ो, ने सिंह जो हमने पढ़ा था सिंह, ने। फिर है लाम, फिर मीम, नून णून वाव हे हमजो अलिफ हमजो और ये यको आखिर में, ये हमजो और ये हमजो और ये। तो ये है अल्फाबेट, यानी इन पट्टियों में से इन जदवलों में से पहली जदवल जो है वो है अलिफ बे का चार्ट, सिंधी अलिफ बे का चार्ट जो है, जो प्लेन चार्ट है उसको जो है वो पहली जदवल के तौर पर काउंट किया जाता है। अब यहां तक किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो दे कैन रेज देयर हैंड एंड दे कैन पार्टिसिपेट। कोई भी सवाल यहां तक अगर हो तो फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई बात समझ में ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं एनीबडी, अगर नहीं तो हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। अच्छा अब दूसरे चार्ट पर आ जाते हैं, दूसरी जदवल पर आ जाते हैं, दूसरी पट्टी पर आ जाते हैं, दूसरी टेबल पर आ जाते हैं, जो मैंने कंटेंट्स पहले आपकी खिदमत पेश की थी, ये वाली। इसमें दूसरी क्या है, अद्ध अखरी जदवल, अद्ध अखरी। ये हमने देख ली सिंधी अलिफ बे जो चार्ट देख लिया, जो पहले भी आप पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने सिर्फ इसको रिवाइज किया, सिर्फ इसको रिमाइंड करवाया आपको। अब है अद्ध अखरी जदवल, यानी आधे हर्फ वाली जदवल जिसमें आधे हरूफ हो, ठीक है। आधे हरूफ ऐसे लिखे जाते हैं, आधे हरूफ का मतलब यह है कि वो हर्फ किसी न किसी लफ्ज के साथ कनेक्टेड है, उससे पहले या उससे बाद किसी न किसी लफ्ज के साथ कनेक्टेड है, उसको कहा जाता है आधे हर्फ वाली जदवल। तो ये आधे हर्फ वाली जदवल जो है वो हम उससे आगाज करते हैं, क्योंकि वो वाली जो सिंधी अलिफ़बे वाला चार्ट था वो यकीनन हमारा पढ़ा हुआ था, इसलिए हमने सिर्फ उसको रिवाइज किया। तो अब आधे हर्फ वाली जदवल के जब हम जिक्र करेंगे तो उसकी पहले अशकाल देख लेंगे। उसकी अशकाल कुछ इस तरह से हैं कि जब हम उनका जिक्र करेंगे या उनको लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिखेंगे। ये मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ, आप उसमें देख लें। अलिफ डायरेक्ट अलिफ के साथ फॉर्मेशन के लिहाज से उसके बाद कोई हर्फ कनेक्ट नहीं हो सकता, उससे पहले हो सकता है। वो जो हरूफ जो जिसके दरमियान में अलिफ आता है, पीछे मुख्तलिफ हरूफ कनेक्टेड होते हैं, या फिर जो खत्म होता है अल्फ पर, तो उसकी शक्ल ऐसी होगी।
अलिफ की शक्ल ऐसी होगी, ठीक है। अगर ला भी हम लिखेंगे, अगर ला, ये ला का मतलब है अरबी में नहीं होता, या कोई भी लफ्ज ऐसा लिखेंगे जो अलिफ पर खत्म होता है, ठीक है, मुस्तसना, मुस्तसना तो खैर ये के ऊपर अलिफ आता है, तो इस तरह से मुख्तलिफ जो हरूफ हम लिखेंगे तो जो अलिफ पर खत्म होंगे या अलिफ जिसके दरमियान में आता है, तो अलिफ जब कनेक्ट होगा तो अलिफ की शक्ल ये बन जाएगी, जिस तरह से उर्दू में बनती है, अरबी में बनती है, फारसी में बनती है, सेम है, आपके लिए कोई नई चीज नहीं है कि उसकी शक्ल इस तरह से आ जाएगी, यानी जब अलिफ कनेक्ट होगा किसी लफ्ज के साथ तो उसकी शक्ल इस तरह से आ जाएगी। फिर है बे, बे की शक्ल इस तरह से आ जाएगी, यानी बे अगर कनेक्ट होगा किसी के साथ, आगे कनेक्ट होगा किसी के साथ, पीछे कनेक्ट होगा, तो यही जो डंडी है इसकी, ये पीछे से आ जाएगी, और अगर दरमियान में है तो ये डंडी पीछे वाले लफ्ज को कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ जाएगी, जिस तरह से ये है, ठीक है। बे इसी तरह है, भे इसी तरह है, ते इसी तरह है, थे, टे, ठे, से, सवाब, पे, पग, जीम, जुती, झ, ये झ, ठीक है, झ, न, यानी चे, छे, हे, खे, दे, दाल जब आएगा, इसकी अशकाल देख लें, क्योंकि ये अशकाल देखने वाली है ना, कि जब आधा हर्फ किसी के साथ भी कनेक्ट होगा तो कैसे होगा। दाल एक ऐसा हर्फ है जिसके बाद कोई लफ्ज कनेक्ट नहीं हो सकता, दाल किसी के साथ कनेक्ट नहीं होगा, लेकिन दाल पीछे से कनेक्ट करता हुआ आएगा मुख्तलिफ हरूफ को, तो जब हम इसकी मश्क करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे कौन से अल्फाज हैं। फिर है दाल, फिर धाल, डे या डाल, डे या डाल, ढे या ढाल, जे या जाल, रे, डे, जे, सीन, शीन, स्वाद, ज्वाद, तुए, जुए, ऐन, गैन, फे, फे, काफ, काफ, खे, गाफ, गे, घे, ंगे, लाम, मीम, नून, णून, ये जो टे की तरह है ये णून है, णून, ण, ण, नून और डे को आपस में मिलाएंगे तो ण, वाओ, हे, वाओ, हे, हमजा, ये, राइट। ये है अदाखरी जदवल, आधे हर्फ वाली जदवल जो है वो इस तरह से लिखी जाती है। अब यहां तक तो कोई सवाल हो तो करे, यहां तक तो कोई चीज समझ, मैं इसमें दोबारा से गो थ्रू करूंगा एक एक हर्फ को अलग अलग पेज पर, लेकिन यहां तक तो कोई सवाल हो तो आप करें कि ये जी सर, जी जलील साहब। यहाँ मुझे सर ये जो एन एन फे फे के बाद वाला नहीं वर्ड समझ फे, आई, फे, चार फे सर, फूल फे, वाला, फे, फूल फूल वाला वाला फे, फे। हाँ फूल वाला फे, ओके ओके ठीक है, ओके सर, ओके ओके। सर। एनी एनीबडी एल्स, कोई और क्वेश्चन आपकी तरफ से, एनी क्वेश्चंस? अच्छा जी, नाइन आर बे, अच्छा ये जलील साहब पूछ रहे हैं, ठीक है, कोई कोई सवाल हो, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा आयशा पूछ रही है, असाइनमेंट किए जमा करानी है। अच्छा असाइनमेंट का तो टाइम खत्म हो गया मैम, जो नेक्स्ट असाइनमेंट होगी फिर आपको बताया जाएगा। असाइनमेंट का सिंपल तरीका है, यानी उसके लिए कोई कोई भी असाइनमेंट हो, उसके लिए कोई आपको कोई अहतमाम नहीं करना, कोई वर्ड फाइल नहीं बनानी, कोई पीडीएफ नहीं बनाना, कोई पीपीटी नहीं बनानी, उसको एज सिंपल एज पॉसिबल, जिस तरह से आप टेक्स्ट करते हैं वैसे आप वर्ड में भेजते हैं तो अच्छी बात है, पीडीएफ बनानी आती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह से आप टेक्स्ट करते हैं उसी तरह से टेक्स्ट करके आप ईमेल करते हैं हमें, जो आपके साथ एड्रेस शेयर किया गया है, ईमेल एड्रेस जो शेयर किया गया है, sindhila.karachi@gmail.com, sindhila.karachi@gmail.com पर या तो आप हमें मेल कर दें, या तो जो व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन है आप उनको पोस्ट कर दें, आप उनको डीएम कर दें, सिंपल है, उसमें कोई कोई फारसी नहीं है, मतलब तो नेक्स्ट जो भी असाइनमेंट्स होंगी उसमें आपको इस तरह से जमा करवाना है, ठीक है। और हर असाइनमेंट, एवरी असाइनमेंट कैरीज 2 पॉइंट्स, ये आप ध्यान रखिएगा कि 2 उसमें पॉइंट जो है वो आपके शामिल होंगे। चलिए अब आते हैं इसमें से हर एक हर्फ को अलग अलग समझने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ से हम आगाज करते हैं कि अलिफ की बात जब हम करते हैं तो अब अलिफ को किस तरह से कनेक्टेड अंदाज में लिखा जाएगा। अलिफ को कनेक्टेड अंदाज में इस तरह से लिखा जाएगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर भी दिखाया, यहाँ पर मैंने ओवरऑल जो है वो पूरी टेबल का रिव्यू किया,
लेकिन यहां पर अलग अलग मैं आपको दिखा रहा हूं। वही अलिफ है, अद आखिरी जदवल था पढ़ो पढ़ो। वी आर राइट नाउ लर्निंग अबाउट हाउ टू राइट हाफ लेटर्स, लेटर्स कनेक्टेड विथ अदर लेटर्स इन अ वर्ड, हाउ विल बी द शेप ऑफ दैट दैट लेटर। लेटर्स ही पढ़ रहे हैं ये, इस पट्टी में जो 20 टेबल्स होंगी, जदवलें होंगी, वो अल्फाबेट्स ही हैं, कोई और चीज नहीं है, अल्फाबेट्स ही हैं, लेकिन मुख्तलिफ उनकी सौती अशकाल है। तो पहली टेबल हमने पढ़ी जो सिंपल अल्फाबेट थी, सिंपल। अब दूसरी जदवल हम पढ़ रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ है अद अखरी जदवल है, इसको अद अखरी कहते हैं। अद अखरी हम सिंधी में उसको कहते हैं जिसकी बात समझ में ना आए, यानी जो मिक्सड अल्फाज बोलता हो या रहने के अदरिया समझ में होता जाए। अदरी मीन्स नाकाबले फहम गुफ्तगु करने वाला, या नाकाबले फहम तहरीर को हम कहते हैं यार अदरी, लेकिन यहाँ पर अदरी का मतलब है हाफ लेटर्ड। अखर मीन्स लेटर, अद मीन्स आधा, हाफ लेटर्ड जदवल, यानी किसी भी लेटर को दूसरे के साथ कनेक्ट करके लिखा जाएगा तो उसकी शेप क्या होगी। तो अलिफ अगर लिखा जाएगा, जैसे कि मैंने बताया पहले भी, हम ओवरऑल रिवाइज करके आए इसमें, अब एक एक हर्फ में अलग आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए रिवाइज कर रहा हूं, ठीक है? तो आप जो है वो अच्छा, ये कोई क्वायरी आई है? अच्छा जी, ठीक है, तो आप उसको एक एक हर्फ को इस तरह से देखेंगे। तो ये अलिफ है, अलिफ के बाद अगर कोई हर्फ आएगा कनेक्ट होगा, जैसे अख लिखा जाता है तो उससे अलग होगा, उसके साथ कनेक्टेड नहीं होगा, लेकिन अगर पीछे से कोई लफ्ज आ रहा है और दरमियान में अलिफ आ रहा है उसके, तो अलिफ इस तरह से होगा, इस शेप में होगा, या कोई लफ्ज खत्म हो रहा है अलिफ पर तो उसकी शेप यही। उसके बाद है बे, और बे अगर कनेक्टेड होगा तो इस तरह से कनेक्टेड होगा, और अगर पीछे से कनेक्ट होता हुआ आएगा, बे अगर पीछे से कनेक्ट होता हुआ आएगा तो उसकी उसकी जो शक्ल होगी वो कुछ इस तरह से होगी, वो इस तरह से होगी, पीछे से अगर ये कनेक्ट होता हुआ आएगा, ठीक है? और अगर ये यहीं से आगाज हो रहा है बे का और आगे जा रहा है तो उसको इस तरह से लिखा जाएगा बे, ठीक है? अलिफ के बाद बे, ये वही अशकाल है, मैं एक एक हर्फ करके अलग से आपको। फिर है बे, बे बकरी जो हमने पढ़ा था, यानी हम आधे लेटर की शक्ल देख रहे हैं। फिर है भे, भे को दूसरे लफ्ज के साथ कनेक्ट करके ऐसे लिखा जाएगा। फिर है ते, ते ऐसे लिखा जाएगा, पहले बता चुका हूं, लेकिन अब अलग अलग से हर लफ्ज को देखें ताकि उसकी शक्ल आपके पास महफूज हो, ठीक है? ये अगर जैसे ही आपके साथ असाइनमेंट शेयर होगी पीडीएफ में, उसके बाद अगर आप एक कॉपी पर उसको मश्क करते हैं और लिख के देखते हैं तो आपके लिए आसानी होगी, समझना आसान होगा, हाउ टू राइट इट यू विल अंडरस्टैंड, और उसकी शक्ल भी आपके जहन में आ जाएगी। उसके बाद थे, थे इस तरह से लिखा जाएगा, यानी अगर कनेक्टेड होगा अपने बाद वाले आने वाले हरूफ के साथ। उसके बाद है टे, टे ऐसे लिखा जाएगा। उसके बाद है ठे, ठे ऐसे लिखा जाएगा। उसके बाद है से ऐसे लिखा जाएगा। उसके बाद है पे, पे इस तरह से लिखा जाएगा। उसके बाद है जीम, जीम इस तरह से लिखा जाएगा। उसके बाद है झे, झे इस तरह से लिखा जाएगा, यानी अगर वो कनेक्टेड है, पहले से कनेक्टेड है तो मैंने आपको बताया था कि उसका तरीका क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिस तरह से बे की मिसाल दी थी सारे हरूफ पर यही लागू होगी, यानी झे का हम जिक्र कर रहे थे, अगर झे पीछे से आएगा तो हम, यानी पीछे वाले अल्फाज से हरूफ से कनेक्ट करता हुआ आएगा तो हम ऐसे लिखेंगे इसको, लेकिन अगर आगे कंटिन्यू होगा तो वो इस तरह से लिखा जाएगा जो मैंने पहले आपको उसकी शक्ल दिखाई थी, यानी किस तरह से ये आगे कंटिन्यू हो रहा है, ये पीछे से कंटिन्यू हो। तो ये है झे, ठीक है, जिससे झिरकी स्टार्ट होता है, झार स्टार्ट होता है, झार वो जाल है जिस जिसमें पंछियों को, परिंदों को फांसा जाता है, खासतौर पर जब वो फसल का नुकसान करते हैं और उनको उसको चुगने लगते हैं, तो फिर उनको फंसाने के लिए, उड़ाने के लिए झार, जो झार हकलन एक टेक्निक होती है जिससे परिंदों को उड़ाया जाता है, तो वो भी झे से स्टार्ट होता है। इसी तरह से झिरकी, जैसे कि मैंने आपको बताया, झरोका, झरोका उर्दू में भी है, सिंधी में शाहबुद्दीन पचाई ने इस्तेमाल किया है, झरोक पवंदी झाए झरोक में, तो झरोक जो है वो खिड़की को कहा जाता है, दरीचे को कहा जाता है, छोटे से दरवाजे को कहा जाता है। उसके बाद नी, नी की शक्ल इस तरह से होगी, यानी अगर अदाखरी जदवल की बात करते हैं, हाफ लेटरेट बात करते हैं, नी इस तरह से लिखा जाएगा, चे इस तरह से लिखा जाएगा, छे इस तरह से लिखा जाएगा, यानी अदाखरी हवाले सा इस तरह, यानी वो कनेक्ट करेगा जब दूसरे हर्फ के साथ। तो हे हलीम वाली है इस तरह से लिखी जाएगी, खे इस तरह से लिखी जाएगी, दाल इस तरह से लिखा जाएगा,
ढाल या धे इस तरह से लिखा जाएगा, डाल या डे इस तरह से लिखा जाएगा, डाल या डे इस तरह से लिखा जाएगा, समुंड यानी समंदर जब खत्म होगा तो ऐसे लिखा जाएगा, आखिर में डाल इस तरह से आएगा, वो कनेक्ट होता हुआ आएगा, ठीक है। उसके बाद ढे ऐसे लिखा जाएगा, ढे या ढाल ऐसे लिखा जाएगा, जाल ऐसे लिखा जाएगा या जे ऐसे लिखा जाएगा, रे ऐसे लिखा जाएगा, रे ऐसे लिखा जाएगा, जे ऐसा लिखा जाएगा। उसकी शक्ल ऐसी होगी और जाहिर है उसकी आवाज तो वही होगी, लेकिन हम उसकी उसका प्रूफ देख रहे हैं, उसकी शक्ल देख रहे हैं, उसका अमला देख रहे हैं कि जब वो दूसरे लफ्ज के साथ कनेक्ट होता हुआ आएगा तो किस तरह से आएगा। जे के बाद रे, जे और रे के साथ ये इस फैमिली के जो हरूफ हैं वो अगर आगे कंटिन्यू करेंगे तो ये इसके साथ चिपका हुआ नहीं होगा, ये इससे अलग होगा, पीछे से आएगा तो ये इसके साथ चिपका हुआ होगा। रे अम्बड़, हम माँ को प्यार से, अम्मी जान को अम्बड़े कहते हैं, तो उसके साथ शुरू में मीम लग जाता है, इसी के साथ मीम यहाँ पर लग जाएगा और पहले अलिफ आएगा तो अम्बड़े ये हो जाएगा, तो डे इस तरह से आधे अर्थ के साथ की तरह जो है कनेक्ट होगा। जे इस तरह से कनेक्ट होगा यानी आधे हर्फ की सूरत में, सीन इस तरह से लिखा जाएगा, शीन ऐसे लिखा जाएगा, स्वाद ऐसे लिखा जाएगा, ज्वाद ऐसे लिखा जाएगा, तुए ऐसे लिखा जाएगा, जुए, आयन, आयन अदाखरी जद वाली सूरत में ही रखो, दिस विल बी रिटन इन हाफ लेटर्ड शेप लाइक दिस, आयन, गैन, फे, 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 फूल वाली फे, फूल वाली फे, ठीक है, फे, काफ, काफ, कलम वाली वाला काफ, काफ, किताब वाला काफ, कुर्सी वाला काफ, काफ, खे, खे, खट, खे, खीर, जैसे उर्दू में खीर कहा, सिंधी में खीर दूध को कहा जाता है, उर्दू में खीर खीरनी को कहा जाता है, सिंधी में खीर को या शीर खुरमे को सिंधी में खीरनी कहा जाता है, शीर खुरमा थोड़ा सा मुख्तलिफ है, उसको सिंधी में शीर खुरमा कहा जाता है, लेकिन जो खीर है उसको सिंधी में खीरनी कहा जाता है। फिर गाफ ऐसे लिखा जाएगा, घे, घोड़ो, ने ऐसे लिखा जाएगा, लाम ऐसे लिखा जाएगा, मीम ऐसे लिखा जाएगा, नून ऐसे लिखा जाएगा, नून ऐसे लिखा जाएगा, याने ऐसे लिखा जाएगा, वाव ऐसे लिखा जाएगा, हे ऐसे लिखा जाएगा, हमजा जब खत्म हो गया तो उसी शेप में आएगा, उस पर जेर या जबर या पेश जो भी हरकत होगी दी जाएगी, लेकिन जो कोई हर्फ शुरू होगा उससे या दरमियान में आएगा तो उसकी शक्ल ये होगी हमजा, उसके बाद ये कनेक्ट होगा, उसके बाद ये इस तरह से लिखा जाएगा अगर शुरू में आ रहा है, या फिर अगर कनेक्टेड है किसी के साथ तो पीछे से वो उसको डंडी के साथ कनेक्ट किया जाएगा। तो ये है अदाखरी जदवल, यानी किसी लफ्ज को, किसी हर्फ को, सॉरी, किसी दूसरे हर्फ के साथ अगर कनेक्ट करके लिखा जाए तो उसकी शक्ल कैसी होगी। तो ये है अदाखरी जदवल, यानी इन 20 टेबल्स में से पहली टेबल जो थी वो सिंपल अल्फाबेट्स थी, दूसरी टेबल कनेक्टेड उसकी शक्ल कैसी होगी इन हरूफ की, ये दूसरी टेबल थी। इसी तरह के 18 और टेबल्स हैं जिसमें मुख्तलिफ आवाजें भी शामिल हैं, बेशतर वो आवाजों पर मुश्तमिल टेबल्स हैं। यहाँ तक तो कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं, वरना हम आगे सर बढ़ें। ये जी सर जरिए अर्ज कर रहा जी हूँ, ये जल्दी जो सर। हाफ लेटर्स हैं सर ये सिर्फ रिटन में हेल्प करते हैं या स्पीकिंग में भी हेल्प करते हैं, नहीं ये स्पीकिंग सिर्फ में तो इसके रिटन के उसका लिए? नहीं, स्पीकिंग में तो सौत वही आएगा, उसमें सौत चेंज थोड़ी हो रहा है, वो तो जे का, सीन का, गे का, गाफ का, घे का, सबका सेम ही आ रहा है, लेकिन रिटन में मैं जी इमला सिखा रहा हूँ कि अगर किसी लफ्ज के साथ अगर कनेक्टेड होगा तो उसकी शक्ल ये होगी, ये मैं आपको बता। वैसे ओके, ताकि तो हाँ, मिस ना कर क्योंकि दें हम। क्योंकि इसका इसका सौत में कोई फर्क नहीं, इस टेबल और पहली वाली टेबल की सौत में कोई फर्क नहीं, दोनों के सौत यानी आवाजें सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं, वो आगे जब अलिफ और जबर और जेर और पेश वाली टेबल्स आएंगी तो उसमें सौत में फर्क होगा, उसमें आवाज में फर्क होगा, उसमें लिखने में फर्क होगा, लेकिन ये जो पहली और दूसरी टेबल थी उसमें आवाज में कोई फर्क नहीं है क्योंकि सारों की आवाजें सेम है। ठीक है सर, थैंक यू सर। वेलकम। एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर क्वेश्चन? अगर नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। यस सर, एक जी क्वेश्चन है, दिस जी इज मुजफ्फर सर, अपना ये नाम दोबारा बताइए, अदाकरी अपना जो नाम दोबारा बताइए। सदफ 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 जाफर जाफर साहब। जी सदफ साहब, जी सर, मैं ये पूछ रही थी, जैसे अभी आपने बताया अदाकरी जो आपके ये जदूल है ना हमारा, तो ये लिखने जदवल में इसके बीच जदवल जी जी सर, तो इसमें लिखने में बीच में स्पेस आएगा
जबकि एक ही वर्ड है ये नहीं मैंने नहीं समझा आपकी बात। अदा कर। ये हमारा जो आ रहा है ना लिखा हुआ अदा करी, बीच में स्पेस आ रहा है। किसमें स्पेस आ रहा है? अदाखरी। हाँ अदाखरी, अच्छा ये आप कह रहे हैं ये वाला जो है। सर ये स्पेस आएगा इसमें, ये पूरा एक वर्ड नहीं है। नहीं ये वर्ड, ये मुरक्कब लफ्ज है, ये इसमें बिल्कुल स्पेस आएगा, क्योंकि अगर स्पेस नहीं आएगा तो ये हो जाएगा अधाखरी। अगर स्पेस नहीं दूंगा तो ये एक लफ्ज बन जाएगा अधाखरी, यानी धाल अलिफ के साथ कनेक्टेड हो जाएगा, इसलिए इसको अधाखरी बोला जाएगा। बल्कि ज्यादा बेहतर पता है क्या होगा, ज्यादा बेहतर ये होगा कि अगर मैं इसमें यहां पर, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन देख रही हैं, मैं यहां पर अगर ये जी डैश लगा लू ना तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट जी हो जी जाएगा, क्योंकि दोनों अल्फाज के मिलाप से एक मुरक्कब लफ्ज बनाए अद अखरी। ये इसलिए क्लियर होगा कि अद को अलग पढ़ना है, अखरी को अलग पढ़ना है, ये अलग अलग पढ़ना है हमें, सही कहा ठीक जी सर, है? कंपाउंड वर्ड्स की तरह है जी हाँ, ये बिल्कुल कंपाउंड वर्ड है। अगर इसको साथ लिखूंगा मैं तो इसको इसका लहजा ही तब्दील हो, इसका तलफ्फुज तब्दील हो जाएगा, ये हो जाएगा अधाखरी। अलिफ के बाद धाल जो है अलिफ के साथ एक आवाज बना लेगा जो गलत हो जाएगा, तो हमें अदाखरी बनाना है। तो अदाखरी में ज्यादा बेहतर ये होगा कि या तो आप स्पेस दे दें या तो आप डैश लगा लें, तो ये बड़ी अपने काम की चीज की तरफ निशान देगी। तो बेहतर ये है कि आप डैश लगा लें, क्योंकि हम तकरीबन वैसे तो जो कंपाउंड वर्ड्स हैं वो अंडरस्टूड होते हैं, लेकिन आप डैश लगा लें तो ज्यादा क्लियर हो जाता है पढ़ने वाले के लिए कि दो दो अल्फाज जो हैं यहाँ पर मिले हुए। थैंक यू, थैंक जी। यू जजाकल्लाह वेरी सर, मच, थैंक सामने को यू। सलाम अलैकुम। एनी अदर क्वेश्चंस? एनी अदर क्वेश्चंस प्लीज। जी आयशा साहबा, छाता पूछना चाहे हो आयशा साहबा, यू कैन आस्क। आयशा साहबा यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड यू कैन आस्क द क्वेश्चन। जी आयशा साहबा यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, कैन यू हेयर मी? आयशा साहबा का कोई सवाल है लेकिन शायद वो मुझे सुन नहीं पा रहे हैं या अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को। कोई सवाल हो तो आप करें। मेरे ख्याल में आपने एक सवाल उसमें भी किया था, असाइनमेंट के हवाले से चैट में भी सवाल किया था। और अच्छा आयशा बोलो कह रहे हैं कि मोट आई हैव आस्क यू टू अनम्यूट योर सेल्फ, लेकिन पता नहीं क्यों क्या प्रॉब्लम है, लेट मी चेक इट अगेन। मैंने आपको बोल भी दिया है। आई हैव आस्क्ड यू टू अनम्यूट, ओके यू कैन राइट योर क्वेश्चन इन द चैट या यू कैन आस्क लेटर। अगर कोई सवाल हो इससे मुतालिक तो आप कर सकती हैं, जो यकीनन एड्रेस किया जाएगा। तो आज हम साल के 12 महीने का रिव्यू करने वाले थे, लेकिन वी आर गेटिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, लास्ट 2 मिनट्स वी हैव। अच्छा कल की क्लास हो सकता है कि 1 घंटा लेट हो सकता है, ये आपको बाय 3 और 4 PM आपको पता चल जाएगा, वो क्योंकि हमारे यहाँ जो एक मैनुअल कोर्स चल रहा था फॉर सिंधी सब्जेक्ट टीचर्स, कल उसकी सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है, तो वो वैसे शेड्यूल तो हमने 3 बजे की है, लेकिन कभी कभार देर हो जाती है, आगे पीछे हो जाता है वक्त, तो हो सकता है कि हम कल की क्लास 6 बजे करें। तो ये एज पर शेड्यूल आपको मैक्सिमम लेटेस्ट बाय 4 PM आपको पता चल जाएगा, क्योंकि कभी कभार ऐसी कोई सूरत हाल होगी जाहिर है कि जब लाइव आने में थोड़ी सी अगर कभी कभार ताखीर जरूरी होगी तो आपसे हम गुजारिश करेंगे कि आप उसमें कॉपरेट करें। तो कल की क्लास शायद 6 बजे हो, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, लेकिन हो सकता है कि ऐसी सूरत हाल हो, कोशिश होगी कि 5 बजे हो जाए, लेकिन ये दोनों चीज़ें आपके जब आपके साथ लिंक शेयर किया जाएगा तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि इधर यू आर वेदर यू आर इनवाइटेड एट 5 PM और 6 PM। मोस्ट प्रॉबेबली मुझे ये लग रहा है कि कल की क्लास 6 बजे से लेकर ऑनवर्ड 7:30 बजे तक होगी, लेकिन ये आपके साथ जब लिंक शेयर होगा तो आपको मालूम हो जाएगा। तो इसलिए इस सिलसिले में प्लीज कॉपरेट कर लीजिएगा कि अगर 6 से 7:30 बजे तक है तो आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन वो 1 दिन के लिए तब्दीली होगी, वो मैंने आपको बताया कि वो एक सेलिब्रेशन है, तो उस वजह से शायद हम ताखिर का शिकार हो जाए। सो आयशा साहब आप म्यूट नहीं कर पा रही। अक्सर स्कूलन में दाल ढाल डेर घराने जे अक्सर जदवल नथी पढ़ाई बने,
उन्हीं छा वजह है आयशा बलोच साहब जो सवाल आया अक्सर स्कूल में दाल धाल डे ऐं रे जे घराणे जी अधु जदुल नथी पढ़ाई वञे उन्हीं छा वजह आहे आई डोंट नो छा वजह आहे उहो त हाणे उस्ताद ॿुधाए सघंदा छा वजह आहे या उहा छो नथा पढ़ाइनि पिया बट लेट मी आस्क एनी कंसर्न छाकाणि प्राइमरी लेवल ते मुंहिंजो वास्तो कोन्हे रहियो पर पुछी सघिजे थो त न पढ़ाइण जो रीज़न छा थो थी सघे पियो या त हुननि खे न ईंदो हूंदो या त हू पंहिंजे करिकुलम में हुनखे अहमियत न ॾींदा हूंदा को अहिड़ो रीज़न हूंदो आई डोंट नो बट लेट मी आस्क एनी प्राइमरी टीचर मे बी ही कैन गाइड मी सो थैंक यू सो मच फॉर योर क्लास दिस वॉज क्लास नंबर 7 एंड सी यू टुमोरो वेदर एट 5 और 6 PM ये कल कन्फर्म हो जाएगा 4 बजे के करीब देर में देर 4 बजे कोशिश करूंगा 3 बजे तक आपके साथ जो है वो लिंक शेयर हो जाए।